गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट होता है ग्रॉसरी शॉपिंग से, जो कि बाबा करके आए थे कोयटा से। हमेशा वही करती है चाहे हम उसके साथ जाएं या नहीं। और इस बार व्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, जिसकी वजह से अपलोड करना और रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ व्लॉग जल्दी जल्दी से ब्लॉग डालूँ, ठीक है। उसके बाद मेरी पप्पा उमरा से आई थी, तो उसने हमारे लिए कुछ चीज़ें भेजे थे, जैसे तस्बीह भेजे थे, और मेरी सिस्टर के लिए लॉकेट भेजी थी। लॉकेट था, रिंग था, टॉप्स थे, और आप जमजम था, खजूर थे, जानमाज था, यही चीज़ें थे। उसके बाद हमने रोल खाए, और उसके बाद खाने में हमने खाए फ्राइड फिश वाइट राइस के साथ। उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, जिसमें मैंने स्कूल से आई तो मुझे टिक्का मैक्रोनी की क्रेविंग हो गई, क्योंकि टिक्का मैक्रोनी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बेक पार्लर जो कॉल्सोना, मतलब जिसका भी हो, उसका टिक्का फ्लेवर बहुत टेस्टी होती है, इसलिए टिक्का मैक्रोनी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। उसका जो मसाला मिक्स है वो टेस्टी होती है। ये मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैं वाटर लेती हूँ, उसमें मैं सॉल्ट एंड ऑयल ऐड करती हूँ। मिक्स करने के बाद उससे उसमें उबाल आने की थोड़ी सी वेट करती हूँ। जब उसमें उबाल आए तो मैं उसमें मैक्रोनी ऐड करती हूँ। मैक्रोनी में बेक पार्लर का ये जो डिब्बा वाला नहीं होता, उस वही ऐड करती हूँ क्योंकि उसमें लिमिटेड होता है। जैसे मैं बाई और सैरगुल ये खाते हैं, अच्छे से हमारे लिए इनफ होते हैं, ठीक है, काफ़ी होते हैं। उसके बाद इसी ही देगची में मैंने ऑयल ऐड की है, और उधर से अम्मी भी काम कर रही है, देख रहे होंगे आप लोग। उसके बाद मैंने इसमें टमाटो डाली। टमाटो वैसे तो मैं वो करती हूँ, ग्राइंड करती हूँ, लेकिन लाइट नहीं थी तो मैंने इन्हें मैश कर दी। थोड़ा सा इन्हें मैंने मिक्स किया ताकि इसमें थोड़ा सा जो पानी रह जाता है ना मैश करने के टाइम, पानी भी अलग हो जाती है, तो वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं इसमें जो मसाला मिक्स होती है टिक्का मसाला मिक्स, उसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ, ठीक है। मैं तो ज़्यादा स्पाइसी खाती हूँ, लेकिन जो बाई और सैरगुल को भी देना था, तो इसलिए मैंने जितना सब बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही मैंने इसमें डाल, वरना तो मैं इतनी स्पाइसी बनाती हूँ इधर से एक सिप पानी का और फिर एक बाइट मैक्रोनी का, एक से इसी। और अम्मी मुझे बहुत डांटती है इसी चीज़ में कि मैदा ख़राब हो जाती है, लेकिन मैं तो बस वही हूँ। एंड थोड़ा सा मैंने केचप भी ऐड की, सोया सॉस, मेरे पास चिली सॉस अवेलेबल नहीं था, विनीगर था, लेकिन विनीगर मैंने ऐड नहीं किया, मुझे पता नहीं कैसे लगता कि विनीगर का कोई टेस्ट ही नहीं है। उसके बाद ये आखिर में मुझे याद आया कि आप लोगों को दिखाना भी है। उसके बाद मैंने बनाना खाई, और फिर कोयटा से कुछ सामान आए, ये मेरी आंटी लोगों ने अपने साथ ही लाया था। तो ये हमारी जो विंटर शॉपिंग है वो यही है, जिसमें हम लोग लीलन के कपड़े लेते हैं, जैसे ये मेरे हैं, मेरी कज़न्स के हैं, मेरी सिस्टर के हैं, मेरी अम्मी के हैं, मेरी आंटी की है, आंटी की नहीं, बच्चों के, मतलब हमारे हैं सबके, ठीक है। तो मेरा जो ये नीचे वाला नहीं पैरेट ग्रीन, वो मुझे बहुत पसंद आई, ये मेरी अम्मी की है, और ये शहर की है, और मेरी कज़न हीरा उसकी है, दोनों मैचिंग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो बस दोनों की मैचिंग ये मेरी है। और फिर दूसरी तरफ हमने ये कुछ चीज़ें मंगवाए थे क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना पड़ोसी रहते हैं, उन्हें नीडी है ऐसी चीज़ों की, जैसे कपड़े होते हैं, बैग्स होते हैं, तो हम ये दे देते हैं फेंकने के बजाय, या कुछ गिराने के बजाय, तो अच्छा किसी को दे दो, कि मुँह पर मुस्कुराहट आएगी, हमें भी सवाब, वो भी खुश। उसके बाद ये रात को मैंने अपने लिए बनाए। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, हमेशा मैं रेस्ट करती हूँ। उसके बाद रात को मैंने अपने लिए बनाए थे फ्राइज के साथ साथ मैंने मिल्क बैग मंगवाई थी, लेकिन उसमें आई थिंक टी मैक्स था क्या था, वही लाया था, उसमें इतने कम और इतने जैसे वाटर आया था, आप देख सकते हैं, लेकिन बस आया तो इसी में ही बनाना था बनाना मिल्क शेक। वैसे तो मुझे मैंगो मिल्क शेक पसंद है, लेकिन अभी यू नो कि इसका सीज़न ख़त्म हो गई है, एंड बनाना ही बनाना पड़ेगा,
उसके बाद मैं अपने फ्राइज़ में चाट मसाला ऐड करती हूँ। हम लोग नेशनल चाट मसाला वैसे यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार शान चाट मसाला का कलर थोड़ा चेंज है। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ये चाट मसाला, उसने बोला हाँ बेटा पहले वो अलग था, ये अलग है। उसके बाद मैंने ऐसे मिक्स करती हूँ, बहुत 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 टेस्टी टेस्ट आती है इसमें। एंड अलग से जो मैं एक सॉस बनाती हूँ, ये देखिए अभी मैं इसे डाल रही हूँ ग्लास में, फिर अपना सॉस भी दिखाऊंगी, ठीक है। सर्व कर रही हूँ ग्लास में, मैंने अपनी सिस्टर को भी दी थी। ये मैं सॉस बनाती हूँ मायोनीज से एंड टमाटो केचप से। पहले मैं मायोनीज डालती हूँ, उसके ऊपर टमाटो केचप, इन्हें मिक्स करती हूँ। इतनी टेस्टी सॉस बनती है। हमारे पास एक सॉस है, उसका नाम है थाउजेंड आइसलैंड, क्या कहते हैं, नहीं सैलड ड्रेसिंग, लेकिन उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अजीब टेस्ट है उसका, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। ये जो दोनों मिक्स करके ना साथ साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं फ्राइज़ के साथ सिर्फ यही खाती हूँ, और जैसे नगेट्स वगैरह हैं उनके साथ तो मैं ये चीज़ नहीं खाती हूँ, सिर्फ पर फ्राइज़ के साथ, और ये बहुत टेस्टी होते हैं। और फ्राइज़ में जो चाट मसाला मिक्स होती है, फिर उसका अलग ही मज़ा है। ये मैं खा चुकी हूँ, लेकिन अभी मेरे मुँह में बहुत पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत टेस्टी थे। उसके बाद तो मेरा दिल खाना खाना ही नहीं चाह रहा था, कि बस यही है, मैं सॉस बना के अपने फ्राइज के साथ खा लेती हूँ, और फिर रात को मैंने डेरी मिल्क खाए थे। तो अभी मैं व्लॉग इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।